कैसे हो विद्यार्थी मित्र? आप सब अच्छे होंगे। तो मैं माही दीनल और आपको कक्षा 5 में पढ़ाऊंगी हिंदी। तो हिंदी पढ़ाने से पहले मैं आज आपको एक प्रश्न पूछना चाहती हूँ, इसका आपको मुझे जवाब देना है। तो प्रश्न है कि आप सब इस वक्त अपने घर पे होंगे, आपको अपने मामा के घर जाना है या फिर मौसी के घर जाना है या फिर अपने घर से निकल के किसी और जगह पे आपको जाना है, तो आप किस माध्यम से जाओगे? ये प्रश्न का जवाब आपको मुझे देना है कि आपको आपके घर से निकलना है और किसी माध्यम का उपयोग करके आपको आपके घर से निकल के जाना है, तो किस माध्यम से जाओगे आप? वेरी गुड। कोई स्कूटर में जाएगा, कोई मोटर कार में जाएगा या फिर कोई पैदल जाएगा। तो एक जगह से दूसरी जगह पे हम जाते हैं तो इसको क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? मुसाफिरी। मुसाफिरी यानी कि यातायात। तो हमारा हिंदी में हमारा पहले गद्य का नाम है यातायात। तो हमारा पहला पाठ है यातायात। और ये गद्य हमारा चित्रपाठ है, इसका साहित्य प्रकार है चित्रपाठ। तो पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि चित्रपाठ यानी कि क्या। तो चित्रपाठ यानी कि हमें चित्र को देखना है और चित्र के माध्यम से हमें ज्ञान प्राप्त करना है। तो चलो विद्यार्थी मित्र, इस चित्र के माध्यम से हम यातायात को आज जानेंगे और इसके बारे में पढ़ेंगे। चलो विद्यार्थी मित्र, इस चित्र को आप ध्यान से देखिए। इस चित्र में आपको क्या क्या दिखाई दे रहा है? तो इस चित्र में आपको यातायात के कई सारे साधन और एक बगीचे का चित्र दिखाई दे रहा है। तो सड़क पे मोटर कार चलती हुई दिखाई दे रही है, इसके पास एक स्कूटर जा रहा है, इसके बाजू में से एक साइकिल जा रही है, हवा में उड़ते हुए हेलीकॉप्टर और हवाई जहाज यानी कि विमान दिखाई दे रहा है और रेल भी दिखाई दे रही है। इसके बाजू में एक अच्छे से बगीचे का चित्र भी हमें दिखाई दे रहा है। तो बगीचे का यह चित्र बहुत ही मनभावन है। बगीचे में कई सारे फूल खिले हुए दिखाई दे रहे हैं, जैसे कि चंपा, मोगरा, गुलाब, गुड़हल आदि फूल हमें यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। बगीचे में बच्चे एक दूसरे के साथ खेल रहे हैं। बगीचे के एक कोने में एक मेज पर दो लोग बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं। बगीचे की शोभा बढ़ाने के लिए बगीचे के बीच में एक मछली जैसे आकार का फुआरा भी है और बगीचे में चारों ओर हरा घास दिखाई दे रहा है। यह चित्र हम देखते हैं तो हमें बहुत ही अच्छा महसूस होता है और हमें कई सारे यातायात के साधन का भी यह चित्र हमें परिचय करवाता है। चलो विद्यार्थी मित्र, तो अब हम दूसरे चित्र को देखते हैं। तो यह भी यातायात के साधनों का चित्र है। इस चित्र में सड़क पे चलते हुए बस और रिक्शा दिखाई दे रही है और पानी में चलते हुए जहाज और नौका दिखाई दे रही है। इस चित्र में सड़क पे चलने वाले बस और रिक्शा दिखाई दे रहे हैं। तो बस और रिक्शा जो है वो सड़क पे चलते हैं और यहाँ पे जो पानी में चलने वाले साधन है तो जलयान और नौका भी हमें दिखाई दे रही है।
रिक्शा के बाजू में से एक रेल पट्टी भी है। तो इस दोनों चित्र के माध्यम से विद्यार्थी मित्र हमें पता चलता है कि यातायात के तीन प्रकार के साधन होते हैं, पानी में चलने वाले, हवा में उड़ने वाले और सड़क पे चलने वाले यातायात के साधन। तो सड़क पे चलने वाले यातायात के साधन हमने देखे तो बस, रिक्शा, स्कूटर, मोटर कार, वो जो है वो सड़क पे चलने वाले हैं। हवा में उड़ने वाले साधन देखे तो हवा में हेलीकॉप्टर और हवाई जहाज यानी कि विमान जो है वो हवा में उड़ते हैं, और पानी में चलने वाले तो पानी में नौका और जहाज जो है वो पानी में चलते हैं। इस माध्यम से हमें यातायात के इन तीन प्रकार के साधन का परिचय होता है। तो विद्यार्थी मित्रों, सड़क पे चलने वाले जो साधन होते हैं इनके पहिए अलग अलग होते हैं, पहिए यानी कि पैंडा। तो सड़क पे चलने वाले दो पहियों वाले साधन होते हैं, तीन पहियों वाले, चार पहियों वाले या चार से अधिक पहियों वाले साधन होते हैं। तो दो पहिए वाले साधन में हम देखें तो स्कूटर और साइकिल जो है वो दो पहियों वाले में है। तीन पहियों वाले में हम देखें तो जो रिक्शा है वो तीन पहियों वाली है। चार पहियों वाले में हम देखें तो मोटर कार जो है वो चार पहियों वाले में है, और चार से अधिक पहियों वाले जो साधन है इसमें बस और रेल का समावेश होता है। तो विद्यार्थी मित्र, इस माध्यम से हमें यातायात के साधन का परिचय मिला। तो विद्यार्थी मित्र, आज हमने यातायात के बारे में दो चित्र के माध्यम से जानकारी प्राप्त की, और आपको यातायात के कई सारे साधनों के बारे में पता चला। तो हम अगले वीडियो में इसके बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करेंगे। बाय।